हेलो वेलकम टू डाक नाइट एरू आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्स टैम अच्छी देखते हैं आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स इंटेंशन और एक्शंस ठीक है पहले आप देखते हैं आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम में आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें इससे मुझे सपोर्ट मिलती है मेरी सारी रीडिंग फेमस होती है जब भी आपके सामने आप थोड़ा डोनेट कर सकती है मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती अगर आप लड़के हैं तो सही तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो सहमति तरीके से देखें हाँ मैं मॉइस्चराइजर लगा दी ठीक है चलें भूल कर आ गई थी फिर मैं उठ के गई मॉइस्चराइजर लेने फिर मैंने बोला ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना काम करने में चलें देखते हैं यू वर्सेस नो नो नहीं क्या क्या होता रहता है ठीक है आपके पार्टनर इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स इस टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर मेरे वी, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं फीलिंग्स और पार्ट ओके कुछ एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच कोल्ड एनर्जी चल रही है इस वक्त ये पर्सन कोल्ड हुवर कम्युनिकेट नहीं कर रहा बिल्कुल यहां पे कुछ एंडिंग हुई है कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच ख़त्म हो चुकी हैं बिल्कुल कोल्ड एनर्जी में आपके पर्सन ना एक्शन ले रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं ना कुछ बात कर रहे हैं ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं कुछ एंडिंग हो चुकी है कुछ ख़त्म हो चुका है ठीक है आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है बातचीत नहीं है ना ये पर्सन बात कर रहे हैं ना आप बात कर रहे हैं ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में ठीक है आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं एंडिंग के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की एक एक ख़ुद में ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि कुछ रियलाइज करना चीज़ों को समझना चीजें आपके पर्सन को क्लैरिटी के साथ समझ में आना क्वीन ऑफ क्लियरिफाई पे क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी क्यों है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन पर ये पर्सन कोल्ड अटैच है बात नहीं कर रहा कम्युनिकेट नहीं कर रहा वो द प्रैक्टिकल माइंडेड कोल्ड एनर्जी में बैठा हुआ है एक्शन नहीं है आपके पर्सन की तरफ से क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्स Their feelings for you. Their feelings for you. भाग रहा था ये पर्सन इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आ, इस कनेक्शन को इस कनेक्शन को समझा नहीं है ठीक है ये इस रिलेशनशिप से भाग रहा था ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है आपके पर्सन का hmm, page of cups. Four of आपके पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं

जो आपने इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में ठीक है आपके पर्सन को उस टाइम रिलेशनशिप की नीड नहीं थी जब भी आप इस पर्सन की लाइफ में एंटर हुए इस पर्सन ने इसलिए सबसे पहले आपको एक्सेप्ट नहीं करा और सेकंड ये कि बहुत ज्यादा ये पर्सन ओवरथिंकिंग पर्सन करने वाला हो सकता है ये हील नहीं था पास से पास ट्रामा से पास्ट कोई बैक स्टेपिंग से पास्ट रिलेशनशिप से आपके पर्सन की हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी लेकिन आप इस पर्सन की लाइफ में आ गए थे आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है बहुत ज्यादा आपने इस पर्सन को एक सपोर्टिव एनर्जी की तरह आप इस पर्सन की लाइफ में रहे हैं ठीक है कम्पलीटली सपोर्ट करना कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना आपकी एनर्जी वो वाली रही ये पर्सन डिफेंसिव रहा है खुद को इसने होल्ड बैक करके रखा हुआ है लेकिन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कोई एंडिंग आ चुकी है आप लोग के बीच ठीक है एक एंडिंग मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का ये जैसे इस पर्सन का ये बिहेवियर एंड हो चुका है किसी वजह से इस पर्सन एक आ चुकी है एक किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इसके अंदर एक चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन किसी चेंजेस से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी अपनी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ठीक है थीके? अच्छी देखते हैं करंट आपके पर्सन तो इस वक्त इस फीलिंग्स में अगर बात नहीं कर रहे तो ये पर्सन अपने आप को समझ रहा है क्यों इस रिलेशनशिप से इसने बार बार भागा है ये क्यों इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था ये क्यों आ, मतलब कि यहाँ पर हो क्या रहा था तो इसको समझ में आ रहा उस टाइम तो सबसे पहले रेडी नहीं था किसी वर्स सिचुएशन से ये रिकवर हो रहा था या किसी एक एक, एक, एक मतलब एक नेगेटिव इसका पास्ट रहा है ठीक है और इस वक्त जो आप लोग के रिलेशनशिप में हो चुका है उसके लिए भी हीलिंग एक हीलिंग हीलिंग से गुजर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है आपकी तरफ कोई मैसेज और टेक्स्ट ये हीलिंग कंप्लीट होगी आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट मिल सकता है फोर वीक्स के बाद या फोर डेज के बाद यहाँ पर आपको कोई टेक्स्ट और मैसेज इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है ठीक है लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ये पर्सन की हीलिंग चल रही है आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर या फीलिंग्स आपके पार्टनर आपके परस, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए ये पर्सन मेरे व्यूवर मेरे व्यूवर अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं आप इस आप एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में हर्ट हैं ठीक है यहाँ पर आप काफी ज्यादा हर्ट हैं इस पर्सन से आप बहुत ज्यादा पेन में आपने इस पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील किया था आपने इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि आपके एक सोलमेट रिलेशनशिप लगा था आप भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपकी आप बहुत ज़्यादा हार्ड टू हार्ट कनेक्टेड रहे इस रिलेशनशिप में ये अपने किसी पास्ट की वजह से इसके पास्ट का इम्पैक्ट या इसके पास्ट बिहेवियर आपके लिए बहुत नेगेटिव रहे ठीक है इसने जो भी आपके साथ बिहेवियर करा जो भी एक पैटर्न रहा इस पर्सन का वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा जिससे आपको बहुत ज्यादा पेन फील हुआ है ठीक है आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हुए थे एक सोलमेट का रिलेशनशिप लेकर आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को ऐसा लगा था देखकर आपको आप इस पर्सन को पता नहीं कब से जानते हैं क्या कनेक्शन है आपके और इसके बीच लेकिन इसने सब कुछ समझा नहीं ठीक है आपकी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है क्लैरिटी है आपके पास ठीक है काफ़ी ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है आपको क्यों हर्ट किया गया आपके पास क्लैरिटी आ चुकी है बाद आप राउंड एंड राउंड साइकिल में घूमते रहे हैं ठीक है थीके? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहें इस पर्सन की वजह से बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी बहुत अदा गोस्टिंग बहुत डार्कनेस बहुत ज़्यादा चीटिंग बहुत दा आपने आपको हिडन ट्रामा हिडन चीज़ों से आपको फेस करना पड़ा है बहुत आपको फेयर इस रिलेशनशिप में महसूस हुए आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अपनी होना चाह रहे हैं आप कुछ बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं आप इक्वल गिव एंड टेक खुद के साथ कर रहे हैं आप अपने आप को दे रहे हैं जो आप किसी और को दे रहे थे जैसे कि मुझे ऐसा इस, आ, में ऐसा इस इस ऑफ पेंटिकल में लग रहा है है ये हाथ हाथ भी भी आपका आपका ही ही और वो देने वाला टाइम फ्रेम पे आप खुद को फुलफिल कर रहे हैं ठीक है मतलब कि आपकी हीलिंग चल रही है अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं आप किसी का वेट नहीं कर रहे कि कोई आपको देगा कुछ ठीक है पास्ट में जब आप इस रिलेशनशिप में थे जब आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे तो आप वेट कर रहे थे कोई आपको कुछ दे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल से आपका ही एक हाथ है यहाँ पर और अगला ही हाथ आपको कुछ दे रहा है मतलब कि आप अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं ये आपकी एनर्जी आपको क्लैरिटी मिली है कुछ टाइम पहले इस रिलेशनशिप में क्लियर कट आपको समझ में आपका विजन क्लियर हुआ है लेकिन आप इस अपने आप को इस अंधेरे से निकालने के लिए आप किसी का वेट नहीं करना चाहते खासतौर तो पर इस पर्सन का ठीक है आप वे आपको वेट नहीं है इस पर्सन का ये पर्सन आएगा और आपको बैलेंस करेगा आप अपने आप को खुद बैलेंस करने में लगे हुए हैं ठीक है अपने आप सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पर वर्क कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल्स पे वर्क कर रहे हैं अपनी जिंदगी में आगे की तरफ एक्शंस ले रहे हैं मतलब कि एक एक्शन मूवमेंट है एक एक्शन अपनी ज़ात के लिए ले रहे हैं किसी का वेट नहीं है कि कोई आपकी लाइफ में कोई चीज़ आएगी और आपको एक्शन लेना पड़ेगा या कोई आपको सपोर्ट करेगा आप सपोर्ट का वेट नहीं कर रहे पास में ये था ये पर्सन आएगा हील करेगा अपनी गलती को अंडरस्टैंड करेगा नहीं अब आप इसका वेट करते हुए वे नज़र नहीं आ रहे अब आप मूव ऑन होते हुए और अपने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नजर आ रहे हैं अब जो आपने डीपली अपने इन डेप्थ जो पेन फील करा एक डार्कनेस फील करी आप उससे खुद को खुद बाहर निकाल लें अपनी मदद आप ठीक है आप काम कर रहे हैं आप इस अपने ऊपर ठीक है इस क्लैरिटी के बाद इस हार्ड ब्रोकिंग के बाद आपको हार्ड ब्रोकिंग सिचुएशन के बाद आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि आपको अपने लिए खुद काम करना है आपको अपने ऊपर खुद वर्क करना है आपको किसी का वेट नहीं करना ठीक है चलें गुड है बहुत अच्छी है ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है ठीक है जबरदस्त खैर अच्छी और देखते हैं पर इंटेंशन आपके पार्टनर के इंटेंशन इस रिलेशनशिप में क्या है इस टाइम फ्रेम पर ये पर्सन क्या इंटेंशन रख के बैठा है वही पर्सन तो चीज़ों को समझ रहा है अब ये ठहर चुका है ये भाग रहा था ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने मतलब कि बहुत टाइम से भाग रहा है ये अब ठहर चुका है हीलिंग हो रही है इस पर्सन की ये अब नहीं भाग रहा ठीक है इसकी सोचे इसके थॉट्स ये अब नहीं भाग रहा है इस से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है हीलिंग प्रोसेस पे आपको मैसेज करेगा इसकी फीलिंग्स में आपसे माफ़ी मांगना है या आपको मैसेज करना वेट मत करिएगा जो आप कर रहे हैं वही करें ठीक है आप अपने आप को अपने मतलब कि आप अपने आप को खुद खड़ा कर रहे हैं अब जो आंसू अपने खुद पहुँच साफ करता है पहुँचता है जो अपने आंसू को खुद अपने आप को हील करता है जो अपने आप को खुद बैलेंस कर लेता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान होता है ठीक है तो आपने अपने आंसू खुद साफ़ करने वेट नहीं करना किसी का कि कोई आके साफ़ करेगा कोई आके आपको बोलेगा प्लीज़ मत रो तो ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता कहीं भी नहीं होता इस दुनिया में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है हाँ अगर आप लकी हैं तो आपको कोई ऐसा वरना अदरवाइज नसीब वाले होते हैं जिनको अच्छे लोग मिल जाते हैं और कोई कदर कर पाता और कोई कदर नहीं कर पाता तो दुनिया का दस्तूर है आगे पीछे चलता रहता है ये सब ठीक है चलें खैर चीजें इस तरीके से होती है इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है ठीक है इसी तरीके से लेके चलें जिंदगी आसान हो जाएगी होप नहीं रखेंगे किसी से ठीक है तो देखते हैं यहाँ पर इंटेंशन क्या है लेट्स सी ना इंटेंशन आपके पर्सन पास्ट की चीजों से निकलना चाह रहे हैं आपके पर्सन चाहते हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ मूवमेंट करना ठीक है लेफ्ट द कोल्ड एनर्जी में है सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस ठीक है उसको इग्नोर करें आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास्ट की कन्फ्यूजन से पास्ट के एनर्जी से पास्ट की डिप्रेशन से पास्ट के अकेलेपन से मतलब कि उन सब चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं आपके पार्टर ठीक है एक नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन पास्ट के सारे जो भी आप लोगों के बीच चीज़ें चलती रही हैं उनसे बाहर आ रहे हैं पास्ट के ड्रामा पास्ट के ड्रामा पास्ट की नेगेटिव एनर्जी पास्ट की नेगेटिव जो भी आप लोग के बीच चल रहे थे पैटर्न उनसे बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन ऑफ आप इंटरेस्ट ठीक है आपके पर्सन के इंटेंशन क्या है सिक्स ऑफ सूट्स आपके पार्टनर के इंटेंशन आपके लिए क्लियर है ऑफ भाई आपके पर्सन की इंटेंशन है आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना ये पर्सन पास जो हो गया वो हो गया आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है एक न्यू बिगनिंग बहुत ज्यादा पैशनेटिव हो रहा है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है बहुत ज्यादा एक पैशन इस पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा कनेक्टेड लगती है बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है आपकी पर्सनैलिटी के साथ ये पर्सन ठीक है ये आपको बहुत एडमायर कर रहा है और इसकी अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अट्रैक्शन इसकी इंटेंशन में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना एक न्यू स्टार्ट करना बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आप एक फ्री एनर्जी में नज़र आ रहे हैं एक फ्री स्प्रिट की तरह आप नज़र आ रहे हैं आपको अपनी किसी चीज़ का गम या किसी चीज़ का आपको किसी चीज़ की नीड इवन किस पर्सन की नीड नहीं नजर आ रही किसी अपनी लाइफ में आप इंडिविजुअली ग्रो करते हुए बहुत एक्साइटमेंट में नज़र आ रहे हैं ठीक है ये पर्सन आपके साथ इंटेंशन इस पर्सन कैसे हैं आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना इन्वेस्ट करना रिलेशनशिप को बिल्ड करना आपको एडमायर करना इस रिश्ते में मेहनत करना ठीक है इंटेंशन में आपके पर्सन के पास की चीज़ों को छोड़कर आगे की तरफ मूवमेंट करना एक न्यू बिगनिंग करना मतलब के पास की चीज़ों को आपके पार्टनर छोड़ना चाह रहे हैं आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मेरे व्यूअर की इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में योर इंटेंशन योर पार्टनर ऑफ योर ऑफ इंटरेस्ट आपके इंटेंशन आपके पर्सन की तरफ क्या है आ, एस आपके इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट दर्ल्ड आप दोनों ही एक ही तरीके के लेकिन कोल्ड हुए हुए हैं ठीक है बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं हीलिंग भी चल रही है आपकी खुद को हील भी कर रहे हैं ख़ुद को बैलेंस भी कर रहे हैं लेकिन आप अब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हुए हुए हैं आप आज भी इमोशंस रखते हैं आप आज भी लव करते हैं जो कुछ भी किया इसने आपका दिल से प्यार है आपका इस कनेक्शन में जो एक इन्वेस्टमेंट रही है आपने बहुत ज़्यादा प्योर होकर करी है ठीक है आप आप आज भी इस पर्सन से लव करते लेकिन कोल्ड हुए हैं ठीक है एक फ्रंट पे आपकी कोल्ड एनर्जी जा रही है आप कोल्ड एनर्जी दिखा रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना आप खुद को पीछे रख रहे हैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थोड़ा सा होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं ठीक है आप इतना इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे अपनी तरफ से क्योंकि अपने पास में शायद आ, आ, मतलब कि खुलकर अपने इजहार करा खुलकर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करा इन्वेस्टमेंट करी है खुलकर आप इस रिलेशनशिप में मतलब कि आप सामने आए इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करने के लिए इस रिश्ते को आगे चलाने के लिए आपने एफर्ट करी खुलकर आप यहाँ पर इंटेंशन में आप इस रिश्ते में कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं ठीक है यहाँ पे इस हफ्त एंड द वर्ल्ड मुझे जाहिर कर रहा है यहाँ पर आपके पर्सन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलर पेज पे आ गए पास में आप लोग एक सेम पेज पे नहीं थे ठीक है मतलब कि पहले आपके पर्सन नहीं थे फिर आप नहीं थे क्योंकि आप हर्ट हुए हुए थे यहाँ पे हर्ट की एनर्जी मुझे वैसे भी दिख रही है अब आपको समझ में आ गया है एक्सपेक्ट कि किसी से नहीं करना प्यार करना अलग बात है एक्सपेक्टेशन रखना अलग बात है तो होप आपके दिल में आज भी है चाहते आप भी हैं कुछ न्यू स्टार्ट हो अगर ये पर्सन चाहे तो, तो अब ये पर्सन चाहने लगा इस चीज को समझ में आ रही तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के आप एक बैलेंस पेज पे आ चुके हैं एक बैलेंस लेवल पे आ चुके हैं एक दूसरे के साथ ठीक है क्लैरिफाईस ऑफ कप क्लैरिफाई कप केयर फ्री हैं काफी ज्यादा केयर फ्री है टेंशन आपके आप बहुत ज्यादा मतलब के हीलिंग करके अपने इंटेंशन को प्योर और केयर फ्री नजर आ रहे हैं बिल्कुल आप आप इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं ठीक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोल काइंड लव है ठीक है आपकी सोल से कनेक्टेड होता है आपको फुलफिल करता है आपको कंप्लीट करता है आप इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं लेकिन टीम वर्क आप चाहते हैं बैलेंस अगर बैलेंस अट्रैक्शन है बैलेंस ये पर्सन भी आपको वही लव वही केयर करता है वही इंटरेस्ट रखता है आप में तो ये आप तैयार हैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बैक ऑफ द स्टोरी दिल के किसी कोने में आज भी आपको इंतजार है इस पर्सन का ठीक है दिल के किसी छोटे से कोने में आज भी आप सोचते हैं कि ये आएगा मेरी तरफ वापस क्योंकि आपकी हसरत रही है ठीक है ये आपकी हसरत है ये ये कनेक्शन ये पर्सन ये आपकी एक मतलब के एक डिजायर है आपकी ठीक है आपकी इनर 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 डिजायर डीप डाउन आप इस पर्सन से कनेक्टेड फील करते हैं आपकी रूट्स से जुड़ा हुआ लगता है आपको ऐसा लगता है आपको इसके लिए बनाया गया इसको आपके लिए बनाया गया लेकिन ये अगर वो वो सब कुछ आपको देगा जो इन्वेस्ट करना चाहिए तो उस पॉइंट पर आप इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहेंगे ठीक है टीम वर्क करना चाहेंगे स्टार्ट करना चाहेंगे थोड़े से केयर फ्री नजर आ रहे हैं लव करते हैं लेकिन अब अनकंडीशनल हो गया है मैं लव करूंगी या लव करूंगा मांगूंगा कुछ नहीं ठीक है यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी फीलिंग्स ऐसी हैं मुझे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना खुद खुद को खुद बैलेंस करना है ठीक है मैं जि, जिस भी अंधेरे में हूँ मैं जिस भी गम में हूँ मुझे जिस भी तकलीफ में हूँ मुझे अपने आंसू खुद साफ करना है मुझे अपने आप को बैलेंस और स्टेबल खुद करना है ठीक है तो अपने आप हीलिंग खुद आप कर रहे हैं मतलब कि अपने आप हीलिंग जो होती है वो आपको और मज़बूत करती है वो आपको कमज़ोर नहीं करती और मजबूत बनाती है तो अपने हीलिंग आप अपने आप कर रहे हैं ठीक है तो कोई आंसू पहुँचेगा तो कोई आपके आंसू साफ करेगा तो उसको हक होगा दोबारा गिराने का ठीक है ये बात बिल्कुल सीख होती है अपने आप को खुद खड़ा करें अपने आप को खुद बिल्ड करें हाँ अगर ये आ जाता है इस अनकंडीशनल लव के दौरान आपको कुछ दे देता है तो आप कुछ न्यू स्टार्ट कर लेंगे इस पर्सन के साथ ठीक है मतलब कि आप इसको एक सेकंड चांस दे देंगे अगर ये टीम वर्क करता है आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक करता है तो हम यहाँ पर काम कर लेंगे इंटेंशन आपके ऐसे हैं तो आपके पर्सन के भी इंटेंशन ऐसे ही है सी देखते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है देयर इंटेंशन टू यू आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ क्या रह सकता है मेरे व्यूवर्क के पर्सन का एक्शन क्वीन ऑफ स्टेबल क्वीन ऑफ पेंटिकल सॉरी स्टेबल एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है ये पर्सन स्टेबल यहाँ पर कुछ एक्शन ले सकता है आपकी तरफ स्टेबल माइंड सेट रख कर आ सकता है ठीक है यहाँ पर स्टेबिलिटी ये पर्सन माइंड में रख रहा है आपको लेकर कुछ भी करना चाहता है स्टेबिलिटी इसमें हैनी होनी चाहिए इसके एक्शन ये सोच रहे हैं इसको एक्शन ऐसा लेना है जिसमें स्टेबिलिटी दिखे जिसमें इसकी लॉयलिटी ऑनेस्टी दिखे जिसमें इसका इंटरेस्ट शो हो रहा हो जिसमें इसको मतलब कि जिसमें इसकी एक इसका एक इसका एक जो है ना प्रैक्टिकल माइंड नहीं एक स्टेबल माइंड मतलब कि एक एक ये protection उसमें शो हो इसके actions में कि आपको protect करना चाहता है ये ऐसा लेना चाह रहा है Point of practical. वही आपके पर्सन के इंटेंशन इस रिलेशनशिप में वर्क करने के हैं और आपकी तरफ एक्शन लेने के हैं और देयर एक्शन टूवर्ड्स यू आपके पार्टनर के एक्शन है एक बिगनिंग करने के इस रिलेशनशिप में काम करने के और आपकी तरफ एक्शन लेने की पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है ठीक है ऐसा हो सकता है ये फेबर नाइनटीन तक आपकी तरफ कोई एक्शन ले ले आपको कोई मूवमेंट आपको एट 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 फेबर तक आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट रिसीव हो सकता है नाइनटीन तक रिसीव हो सकता है ठीक है एक्शंस में ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन की ऐसा हो सकता है मैंने कहा ना एक डेथ एंड रीबर्थ ये रीबर्ट चाहता है ये खुद को अब जहाँ पास में बंद समझ रहा था स्टक समझ रहा था वहाँ से अब अपने आप को इसने मतलब कि फ्री कर लिया है एक डेथ एंड रिबर्थ एक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब के पास की जो इसके उससे बाहर आ चुका है आपके इंटेंशन में क्या है लेट्स सी आप वर्क करना चाहते हैं बहुत आपके पार्टनर बहुत क्लियर है एक्शन लेने के लिए क्लियर है इस रिश्ते पे काम करने के लिए क्लियर है इधर आपको स्टेबल कुछ कमिटेड देने के लिए क्लियर है ठीक है आपके यहाँ पर क्या रह सकता है आप मेरे विवर के एक्शन क्या हो सकते हैं रिलेशनशिप में आप खुद को पीछे रखकर चल रहे हो होल्ड बैक करा हुआ है आपने खुद को लव है लेकिन अनकंडीशनल हो गया है कंडीशन नहीं लगा रहे तुम आओगे तो प्यार है नहीं तुम ना भी आओ तब भी प्यार है आपको ये बात समझ में आ चुकी है आप इस पर्सन से लव करते हैं तो बस करते हैं बिना बिना किसी मतलब के करते हैं ठीक है मतलब किसके बिहेवियर से आपका कोई लेना देना नहीं है जस्टिस आपको जस्टिस चाहिए या आपके एक्शंस हैं जस्टिस मतलब कि बैलेंस आपको अगर बैलेंस मिलेगा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी यहाँ पर अगर आप जस्टिस आप आपका मैरिज है कमिटमेंट है यहाँ पर आप किसी तरीके की शादी चाह रहे हैं लच्छी में देखती हूँ अभी एक्शंस क्यों ऐसे आए मतलब कि आप जस्टिस में एक्शंस में आप जस्टिस कर रहे हैं अगर ये आप इस पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं वो सब कुछ देते हैं तो ये पर्सन ऐसा है जो बैलेंस करने के लिए जस्टिस करेगा और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट मतलब कि एक सेकंड चांस दे देगा आप जो है एक, एक बड़े दिल के हैं ठीक है थीके? मतलब कि आप इस पर्सन को एक न्यू चांस दे सकते हैं जस्टिस मतलब ये पर्सन बैलेंस करे आप वो देंगे वो करेंगे आप आप इसके साथ दोबारा एक रीस्टार्ट करने को तैयार हैं जस्टिस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप मतलब कि एक डिवाइनली गाइडेड स्पिरिचुअल और बहुत अ बैलेंस पर्सन ठीक है रिलेशनशिप में भी आप बैलेंस देखना चाहते हैं मेरे की तरफ सेक्शन क्या रह सकता है कहा का ना मैरिज आप यहाँ पर एंड हो चुकी आपने खत्म कर दी है पास वाली साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते बस आप खामोश हैं अगर ये पर्सन आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड कोई चीज दे देता है तो लच्छी मतलब यहाँ पर आप खुश हो जाएंगे आप, आप सोचते हैं ये पर्सन अगर आपको मैरिज और कमिटमेंट दे देता है यहाँ पर या आप अगर आप आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट करना चाहेंगे मुझे मेरी व्यूवर की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं खामोश हैं हाइप्रेसिस है की एनर्जी है ख़ुद को खामोश कर कर बहुत इनर डीप सोल सर्चिंग पे गए हैं अपने आप को हील कर रहे हैं यहाँ पर आप अपनी हीलिंग खुद कर रहे हैं अपने आप को हील कर रहे हैं बस आपका ड्रीम है टू ऑफ कप्स बैलेंस रिलेशनशिप एक कंपैटिबल पर्सन एक कंपैटिबल पार्टनर एक लॉन्ग टर्म के लिए आप एक ऐसा पर्सन जिसके साथ फैमिली बना सके जो आपके साथ खुश रहे जो आपको खुशियां दे जिसको आप खुशियाँ दें मतलब कि आप बस ये चीज सोच आपका जस्टिस ये है कि आपको हैप्पी फैमिली चाहिए अगर ये पर्सन आपके एक्शन मुझे कोई नजर नहीं आ रहे बस आप सोच अपने आपको हील करते हुए नजर आ रहे हैं और सोचते हुए नजर आ रहे हैं अगर आपके पार्टनर एक्शन भी लेंगे तो आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली हो मैरिज हो किट्स हो और बहुत अच्छी लाइफ हो ठीक है आप ये चीजें सोचते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है अच्छा देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर और क्या सोच रहे हैं और से देखते हैं मेरे दूर के पार्टनर यहाँ पर और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर रिलेशनशिप में और क्या सोच रहे हैं बाय द बुक बहुत द ट्रेडिशनल पर्सन है अगर मैरिज करेगा तो बाय द बुक फैमिली इन्वॉल्वमेंट होगी ठीक है ट्रेडिशन यहाँ पर पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है बाय द बुक ओके ऑब्जर्वर यहाँ पर ऑब्जर्वर दिख रहा है पर्सन ऑब्जर्वर है बहुत अच्छा ऑब्जर्व करता है आपको राउंड एंड राउंड बहुत ज्यादा राउंड एंड राउंड आप लोगों तो की स्टोरी घूमती रही है ठीक है लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है वो टाइम आ गया जब बैलेंस होगा हैप्पी हैप्पी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस चीज़ को आ, सोच कर पीछे किस इसको इसके आपके पर्सन के सामने जैसे बहुत अलाइन हो रही है स्टोरी बाय द बुक मतलब कि आपके पर्सन कड़ियाँ जुड़ जोड़ रहे हैं मतलब कि पजल्स को जोड़ते चले जा रहे हैं ये सब कुछ क्यों हुआ आप दोनों की लाइफ में आप लोगों के बीच चीज़ें ऐसे क्यों घूमती रही लेकिन ये पर्सन खुश खुश है क्योंकि इस पर्सन को खुश रहने की चाबी मिल चुकी है इस रिलेशनशिप में कैसे खुश रहना आपके पर्सन को पता है कैसे पीस कायम करना ये आपके पर्सन को समझ में आ चुका है ठीक है यहाँ पर Manning. ये पर्सन एक करना चाहता है जोड़ना चाहता है चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर आप की तरफ से क्या है यहाँ पर आपके माइंड में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन बस कड़िया मतलब के चीज़ें बाय द बुक एक मतलब के एक चीजें जुड़ती पे जुड़ती जा रही हैं और एक, एक चेन बनती जा रही है आपके पर्सन के माइंड में कि यहाँ पर ये क्यों हो रहा था आप लोगों के बीच ये सब चीजें ऐसे कैसे क्यों चल रही थी ये पर्सन खुश है उस डोर की इसको की मिल चुकी है जो दरवाजे बंद थे उन दरवाजों इस पर्सन ने जो पहलियाँ नहीं क्लियर हो पा रही थी वो उनको क्लियर कर लिया उन दरवाजों की चाबियां मिल चुकी हैं पीस चाहता है बैंडिंग चाहता है अब आप दोनों के बीच ठीक है अब देखते हैं आप क्या चाहते हैं आपके माइंड में क्या है मेरे व्यूअर क्या चाहते हैं वाई आप थोड़े से सवाल कर रहे हैं डिवाइन से ठीक है आपने बहुत यहाँ पर स्ट्रगल करी है टिक टॉक डिवाइन टाइमिंग आप आ, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग ठीक है सोलमेट मैंने कहा ना आपको ये सोलमेट लगता है बहुत ज़्यादा सोल टू तो सोल कनेक्टेड फील करते हैं आपको ऐसा लगता है न्यू लाइफ यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ न्यू लाइफ चाहते हैं ठीक है थीके? एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं ट्रेजर यहाँ पे ऑल द ग्लीटर आपको लगता सब है सब ठीक है बिटवीन द वर्ल्ड आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं बिटवीन द वर्ल्ड आप डार्कनेस से निकल के लाइट लाइट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग के ब्लस्ड ये रिलेशनशिप ब्लस्ड है ठीक यह है, है? यहाँ पर डिवाइन इस कनेक्शन को ब्लस्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग है डीप नोइंग डीपली आप दोनों ही जानते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं ये कनेक्शन आप दोनों के लिए ही बना है ठीक है बहुत दूर तक आपको ये रिलेशनशिप लेके जाएगा आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के दिल की चाबी आपके पास है ठीक है मेरे विवर्स को ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट होगा और यहाँ पे ऑल द ग्लिटर सब ठीक है जो पास्ट का टाइम था ता, वो गुजर गया एक न्यू टाइम स्टार्ट हो रहा है जिसमें सब बैलेंस है जिसमें सब बहुत अच्छा आप हाइप्रिशिस के साथ इस चीज को समझ रहे हैं ठीक आप, आप है आप इंटली गाइडेड हैं आप साइलेंट होकर बैठे हुए खुद को हील कर रहे हैं लेकिन आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का आपको ये बात समझ में आ रही है जैसे हाइप्रिस्स एंड इमेजिनेशन ठीक है हाइप्रि जैसे बहुत ज्यादा इमेजिन कर रही है चीज़ों को और यहाँ पर चीजें हाइप्रिस्स को समझ में भी आ रही हैं क्या हो रही है ठीक है बहुत ज्यादा आपने ऑब्सटिकल्स देखे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं ठीक है यहाँ पे इमेजिनेशन चल रही है आप बहुत सी चीजें इमेजिन कर रहे हैं बहुत सी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की आप डिवाइनली गाइडेड है डिवाइनली प्रोटेक्टिव है डिवाइनली गाइडेड है आप ठीक है इस रीडियो को ये पर रखूंगी रिडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दोबारा भुने और इंस्टाग्राम को फॉलो करें थैंक यू